नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी और आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स। तो वनडे सीरीज में हार के बाद आखिरकार अब टेस्ट सीरीज की जो शुरुआत हुई है, ये पहला टेस्ट जो खेला गया वो वेलिंगटन में भी इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। जी हाँ, न्यूजीलैंड ने वेलिंगटन टेस्ट में 10 विकेट से इंडिया को हरा दिया और 1-0 से सीरीज में जो है वो अपनी बढ़त बना ली है। और जाहिर सी बात है कि इस शर्मनाक हार के लिए जो हमारे बल्लेबाज हैं, यानी भारतीय बल्लेबाज हैं, उन पर ये ठीकरा फोड़ा जाना चाहिए जिस तरह की उनकी फॉर्म रही। खैर, अव्वल तो कोई फॉर्म ही नहीं थी, क्योंकि एक भी ऐसा नहीं था, एक भी पारी में, दोनों ही पारियों की अगर हम बात करें तो एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि 200 का आंकड़ा भी छुपाई होती। वनडे सीरीज में मिली शर्मनाक हार के बाद अभी भारतीय फैंस के घाव भरे भी नहीं थे कि न्यूजीलैंड ने वेलिंगटन टेस्ट में भारत को हराकर इन घावों को और गहरा कर दिया है। टीम इंडिया की करारी हार में भारत के दिग्गज बल्लेबाजों का सबसे बड़ा योगदान रहा। अपनी ठोस बल्लेबाजी के लिए दुनिया भर में मशहूर विराट सेना वेलिंगटन के मैदान में 200 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। पहली पारी में जहां भारतीय पारी 165 रनों पर सिमट गई, तो वहीं दूसरी पारी में विराट के वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज 191 रनों पर ढेर हो गए। बाकी बल्लेबाजों की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन आप पहले यहां कप्तान विराट के प्रदर्शन पर ही नजर डाल लीजिए। विराट ने वेलिंगटन टेस्ट की दोनों पारियों में 21 रन बनाए। कप्तान पहली पारी में 2 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं दूसरी पारी में उनके बल्ले से जैसे तैसे 19 रन निकले। कप्तान के अलावा उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपनी पहली पारी में 46 तो दूसरी पारी में 29 रन बनाए। इनके अलावा भारत के टेस्ट स्पेशलिस्ट चेतेश्वर पुजारा ने वेलिंगटन टेस्ट की दोनों पारियों में 11-11 रन बनाए। अब आप टीम इंडिया की वर्ल्ड क्लास बैटिंग लाइनअप का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि विराट के टेस्ट स्पेशलिस्ट भी वेलिंगटन में अपना बल्ला चलाना भूल गए। टीम इंडिया को अगर इस सीरीज में हार से बचना है तो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में उसे जो क्राइस्टचर्च का जो मैच अब होने वाला है उसे जीतना होगा। और आपको बता दें कि ये उसका आखिरी टेस्ट मैच होने वाला है, और जाहिर सी बात है कि जो विराट सेना है वो कोशिश उसकी ये होनी चाहिए, वो करे ना करे पर उसकी कोशिश ये पूरी होनी चाहिए कि वो किसी तरह से मैच में वापसी करे और कम से कम इस मैच को तो वो जीत ही ले। हालांकि जिस तरह की उनकी मौजूदा फॉर्म है या मौजूदा जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं उसे देखकर लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड को धूल चटाने वाली टीम इंडिया का अब बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। टी20 सीरीज के बाद न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज में टीम इंडिया की बखिया उधेड़ कर रख दी थी। न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत को 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। वनडे सीरीज में मिली शर्मनाक हार के बाद ऐसा लगा कि भारतीय टीम यहां से सबक लेकर टेस्ट सीरीज में जोरदार वापसी करेगी, लेकिन हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं। वेलिंगटन टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों की स्थिति तो ऐसी बन चुकी थी कि न्यूजीलैंड यहां पारी के अंतर से जीत सकता था, लेकिन 2-4 खिलाड़ियों की बदौलत टीम इंडिया पर यह कलंक लगते लगते रह गया और विराट सेना न्यूजीलैंड की पहली पारी के मुकाबले 8 रन ज्यादा बना गई। भारत द्वारा दिए गए 9 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आए न्यूजीलैंड की सलामी जोड़ी ने दूसरे ही ओवर में मैच को खत्म कर दिया। तो ये थी हमारी न्यूजीलैंड और भारत के मैच से जुड़ी तमाम अपडेट्स। कुछ और ऐसी अपडेट्स के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा एनएन स्पोर्ट्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से उसको सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आप हमारे वीडियोस को देखकर सोचते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट आप कर सकते हैं। लाइक करिए और शेयर करिए।